हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द केडी क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 पार्ट नंबर 2, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। आप जानते हैं जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है तो उस पर कुछ फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होता है। वो मैग्नेटिक फोर्स होता है एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। पार्ट नंबर वन में हम पढ़ चुके हैं किसी भी चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड द्वारा कितना फोर्स क्रिएट होता है वो हम पढ़ चुके हैं। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला जो फोर्स होता है वो होता है क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ पढ़ने वाले हैं जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी से इंटर करता है, तो उस पर लगने वाला फोर्स आप देखेंगे। देखेंगे अलग अलग केसेस है जिसमें एक फर्स्ट केस हमने लिया है। अलग अलग केस का मतलब अगर मान लीजिए चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, वह मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है या मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से कुछ एंगल बना के मूव कर सकता है। तो दो तीन केसेस हैं जिसमें पहला केस ले रहे हैं जिसमें चार्ज पार्टिकल अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन मूव कर रहा है। कुछ इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और इसी के अलावा चार्ज पार्टिकल भी मूव कर रहा है। आप देखेंगे यदि चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग आर इन अपोजिट, अलोंग मतलब चार्ज पार्टिकल है यह मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहा है या फिर मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट अपोजिट। अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा तो थीटा बराबर जीरो हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट मूव करेगा तो थीटा इक्वल टू 180 हो जाएगा। उस केस में आप देखेंगे F इक्वल टू क्यू वी बी, अगर हम डायरेक्शन लेते हैं ये वाला डायरेक्शन लेते हैं V वेलोसिटी से, ये भी V वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में, अगर हम थीटा का मान जीरो लेते हैं, जीरो का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जब ये मूव करेगा चार्ज पार्टिकल तो थीटा हम जीरो कंसिडर करेंगे, तो साइन जीरो F इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब यह है जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है तो उस पर कोई फोर्स काम नहीं करता, यानी कोई फोर्स नहीं लगता है, एफ इक्वल टू जीरो। अगर हम 180 रखेंगे अर्थात जस्ट अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस केस में अगर हम साइन 180 रखेंगे तो उसका भी वैल्यू जीरो होगा, तो उस केस में बराबर जीरो। इससे यह निष्कर्ष निकलता है, कहने का मतलब जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में या उसके पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल में मूव कर रहा है तो उस कंडीशन पे उस पर लगने वाला फोर्स जो क्या होगा वो जीरो होगा, और जो पाथ ऑफ चार्ज होगा, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल लीनियर पाथ होगा, यानी अगर वो जिस डायरेक्शन में यानी जिस पाथ से मूव कर रहा था उसी पाथ के अलावा चलता जाएगा। पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल लीनियर मोशन होगा। यहां तक आप नोट करेंगे, इसके बाद हम सेकंड केस लेंगे। यहां तक आप नोट करें, हेलो स्टूडेंट, अगला आप देखेंगे सेकंड केस। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, यानी उस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो इंटर कर रहा है मेकिंग 90 डिग्री। इससे पहले वाला केस हमने जो पढ़ा उसमें चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, या हम कह सकते हैं पैरेलल या एंटी पैरेलल। इस कंडीशन में क्या कर रहा है, यहाँ हमने क्रॉस से दिखाया है, यानी मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है प्लेन ऑफ बोर्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इन्वर्ट, यानी इसके परपेंडिकुलर अंदर की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है। मान लीजिए ये वी वेलोसिटी से मूव किया, जैसे ही ये वी वेलोसिटी से मूव करेगा, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर वे में, उस कंडीशन पर उस पर लगने वाला जो फोर्स होगा उसका डायरेक्शन हम देखेंगे। उसका डायरेक्शन सबसे पहले आप जानते हैं जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो उस पर लगने वाला फोर्स होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से फोर्स लगेगा होगा क्यू वी वी साइन थीटा।
चूंकि यहाँ पे बताया गया है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के जो चार्ज पार्टिकल है वो 90 डिग्री बना रहा है, यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो साइन 90 हमने रखा, तो जो फोर्स लगने वाला है वो मैक्सिमम फोर्स लगेगा एफ बराबर क्यू वी वी। पर देखेंगे जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंतर्गत मूव करेगा तो उस पर लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन हम देखेंगे। तो आप जानते होंगे लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जब भी हम किसी भी अपने लेफ्ट हैंड की अंगुलियों को स्ट्रेच करते हैं इस प्रकार से कि जो फोर फिंगर है वह मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन शो करेगा और अंगुली चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के डायरेक्शन को शो करेगा, जो थंब होगा वह रिप्रेजेंट करेगा फोर्स के डायरेक्शन को। तो देखेंगे फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन शो कर रहा है, जो प्लेन ऑफ बोर्ड की परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में है, और ये मिडिल फिंगर चार्ज पार्टिकल को डायरेक्शन को शो कर रहा है, और जो फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ लग रहा है, तो इस फोर्स की वजह से इस फोर्स के अंदर ये मूव करेगा। जैसे फिर आगे मूव करेगा तो हर बार जो फोर्स लगेगा वह वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर लगेगा अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड रूल। मान लीजिए यहाँ पहुंचे चार्ज पार्टिकल, इसका डायरेक्शन इस प्रकार से मूव कर रहा है, क्योंकि इस फोर्स के अंतर्गत इस चार्ज पार्टिकल अपने पाथ को कन्वर्ट करेगा इस रूप में। जब यहाँ पहुंचेगा इस पर भी हम लेफ्ट हैंड रूल देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से है और चार्ज पार्टिकल का जो डायरेक्शन है यानी वेलोसिटी का डायरेक्शन मिड फिंगर के लॉन्ग है, तो अंगूठा का डायरेक्शन ही क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन। इसी प्रकार से चार्ज पार्टिकल मूव करता जाएगा और अंडर द फोर्स अपने पाथ को चेंज करते करते एक स्थिति ऐसी आएगी उसका पाथ कैसा बन जाएगा, सर्कुलर पाथ। आप देखेंगे व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव्स एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड यानी थीटा 90 डिग्री तो फोर्स लगने वाला इतना होगा। दिस फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी यह जो फोर्स लग रहा है हमेशा हर बार इसके मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। एंड द मैग्नेटिक फील्ड भी दिस फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड द मैग्नेटिक फील्ड, यानी इसके वेलोसिटी के और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा उस पर लगने वाला फोर्स। सो द चार्ज विल डिस्क्राइब ए सर्कुलर मोशन, इस वजह से चार्ज पार्टिकल होगा एक सर्कुलर पाथ पर मूव करता चला जाएगा। तो हम देखेंगे इस सर्कुलर पाथ का यानी चार्ज पार्टिकल जो जिस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है उसका रेडियस कितना होगा और उसका टाइम पीरियड कितना होगा। उसको देखने से पहले आप इसको नोट करें, हाँ, तो यहाँ देखेंगे जब भी चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर या थीटा बराबर 90 डिग्री बनाते हुए इंटर करता है तो उसका जो पाथ होता है जब वो मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंतर्गत उसका पाथ क्या होता है, सर्कुलर पाथ होता है। तो सर्कुलर पाथ पर जैसे ही मूव करता है तो उसे क्या जरूरत है, एक सेंट्रीपिटल, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है जिसका डायरेक्शन उस सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ। मान लीजिए इसका रेडियस आर है, हमें उस रेडियस को फाइंड करना है, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स उस चार्ज पार्टिकल को मिल रहा है कहाँ से मिल रहा है, उस मैग्नेटिक फोर्स से ही मिल रहा है। इट मींस मैग्नेटिक फोर्स एफ बी इक्वल टू एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स, और एफ बी मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू क्या होता है, क्यू वी बी निकाल चुके हैं। एफ सी क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स आप जानते होंगे एम बी स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि यहाँ से इक्वल है। आप देखेंगे आर का वैल्यू आर जाएगा इधर और क्यू वी बी इधर आएगा हो जाएगा एम बी। एक मिनट, आप देखेंगे ये बी इस बी से कैंसिल हो चुका है, तो आप देखेंगे एम बी अपॉन क्यू बी आर का वैल्यू आएगा। अब बात आती है टाइम पीरियड की, टाइम पीरियड होता है टू पाई आर अपॉन यहाँ पे वी, क्लियर। आप देखेंगे अब वैल्यू हम रखते हैं टी टू पाई अपॉन वी इंटू आर का वैल्यू देखिए यहाँ पे यानी एम बी अपॉन क्यू बी, वी बी से कैंसिल तो टी हो जाएगा टू पाई एम
अपॉन क्यू वी। तो जो टाइम पीरियड है ना, तो उसके रेडियस पर डिपेंड कर रहा है यहाँ आप देखेंगे, और नहीं उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, यानी चार्ज पार्टिकल एक कांस्टेंट मोशन यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो टाइम पीरियड ये है 2πm/qv। तो आप इसको नोट करें, तीसरा केस देखेंगे, थर्ड केस, व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव एट एनी एंगल अदर देन 0, 90 and 180, यानी जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाते हुए मूव कर रहा है, थीटा एंगल बनाते हुए मूव कर रहा है ना, तो जीरो ही है, जीरो का मतलब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं मूव कर रहा है, 90 अर्थात मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी नहीं मूव कर रहा है, तो कहने का मतलब थीटा एंगल बना की अगर मूव कर रहा है और वी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, उस केस में वी का हम दो कंपोनेंट कंसीडर करते हैं, एक परपेंडिकुलर और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो यानी एक मैग्नेटिक फील्ड के अलांग जो हम उसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट कंसीडर करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के अलांग वो हो जाएगा वी एक्स, यानी एक्स एक्सिस के अलांग उसका वैल्यू हो जाएगा वी कॉस थीटा, वी कॉस थीटा, और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हम वेलोसिटी कंपोनेंट कंसीडर करते हैं वी वाई, वी वाई का वैल्यू हो जाएगा वी साइन थीटा। तो हम देखेंगे मैग्नेटिक फोर्स अलॉन्ग द डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उस समय जो भी वेलोसिटी कंपोनेंट हम कंसीडर करेंगे वो वी एक्स कंसीडर करेंगे अर्थात वी कॉस थीटा। यहाँ पर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, एफ बराबर जीरो मैग्नेटिक फोर्स अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आप जान चुके हैं अर्थात उस केस में v cos थीटा, तो उस केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ बी इक्वल टू जीरो। दूसरा केस, क्योंकि ये पहला केस में आप पढ़ चुके हैं, जब भी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होता है उस केस में जो फोर्स लगता है वह जीरो होता है, पहला केस हम बता चुके हैं। आप देखेंगे अब दूसरा केस, जब चार्ज पार्टिकल यहाँ पे 90 डिग्री बनाते हुए मूव करेगा, यानी हम वेलोसिटी कंपोनेंट कंसीडर करेंगे वर्टिकल कंपोनेंट ये वी वाई अर्थात वी साइन थीटा, उस केस में क्या हो जाएगा एफ बी मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू क्यू, वेलोसिटी कंपोनेंट हम कंसीडर कर रहे हैं वी साइन थीटा इंटू बी साइन 90, क्योंकि बी और वेलोसिटी 90 डिग्री बना रहा है साइन 90, साइन 90 का वैल्यू हो जाएगा क्या ये 1 हो जाएगा, एफ बी इक्वल टू हो जाएगा क्यू वी साइन थीटा इंटू बी, ये तो रहा फोर्स। आप देखेंगे यहां पे चार्ज पार्टिकल क्योंकि वी एंगल से वी वेलोसिटी से थीटा एंगल बनाते हुए मूव कर रहा है, इसके दो वेलोसिटी कंपोनेंट हमने कंसीडर किए, एक तो वाई एक्सिस के लांग यानी वी वाई जो कि मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री एंगल बनाते हुए जा रहा है वी साइन थीटा, और एक कंपोनेंट हमने लिया मैग्नेटिक फील्ड के अलांग या मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो उसको हमने वी कॉस थीटा यहाँ पर लिखी वी एक्स यही वी वी कॉस थीटा। तो चार्ज पार्टिकल जब मूव करेगा इस तरीके से थीटा एंगल बनाते हुए, तो इस कंपोनेंट के कारण ये लीनियर मोशन करना चाहेगा, और इस कंपोनेंट के कारण यानी जब भी चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री बनाते हुए चलेगा तो सर्कुलर मोशन करेगा, तो कहने का मतलब लीनियर मोशन भी करेगा और सर्कुलर दोनों का मिक्स हो जाएगा, हेलिकल पाथ उसे हम कहते हैं हेलिकल पाथ, यानी कि लीनियर मोशन प्लस सर्कुलर इक्वल टू हेलिकल, इसको हम कहते हैं ये तो हो जाएगा आपका यह बराबर क्यू वी साइन थीटा और वी हेलिकल
ये जो पाथ बन रहा है इस प्रकार से सर्कुलर वे में आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है, उस केस में इसको हम कहते हैं हेलिकल पाथ, जस्ट लाइक स्प्रिंग, जैसा स्प्रिंग होता है ना उसी प्रकार का। मान लीजिए इसका हम सर्कुलर पाथ जो बन रहा है इसका रेडियस आर है, उस केस में इसका रेडियस कितना होगा और टाइम पीरियड कितना होगा उसे हम निकालेंगे। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात आप जानेंगे, हमेशा हमेशा जानते रहें, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा तो उसका पाथ लीनियर मोशन होता है, यानी यहाँ पे वी एक्स की वजह से लीनियर मोशन, और दूसरा कंपोनेंट वी वाई जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से 90 डिग्री बनाते हुए उसकी वजह से सर्कुलर पाथ होगा, और दोनों का मिक्सर मिक्स करेंगे तो बनेगा हेलिकल पाथ। नोट करें यहाँ तक। यहाँ हम देखेंगे जो ये हेलिकल पाथ है जिसमें चार्ज पार्टिकल जिस पाथ मूव कर रहा है अर्थात लीनियर मोशन के साथ साथ सर्कुलर मोशन, तो जो ये सर्कुलर लूप बन रहा है इसका रेडियस हम निकालेंगे। तो उस केस में देखें तो जो चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स सर्कुलर पाथ पे अगर ये चल रहा है उस केस में इस पर जो लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स होता है वही सेंट्रिपेटल फोर्स का भी काम कर रहा होता है, यानी सर्कुलर मोशन करने के लिए सेंट्रिपेटल फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वह उस सर्कुलर लूप के या सर्कुलर पाथ के सेंटर के डायरेक्शन में होता है। आप देखेंगे यहाँ पे अर्थात हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू सेंट्रिपेटल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स अभी भी निकालें इस वेलोसिटी कंपोनेंट की वजह से वो निकला था क्यू वी साइन थीटा इंटू बी, और सेंट्रिपेटल फोर्स क्या हो जाएगा एम वी स्क्वायर। कौन सा कंपोनेंट लेंगे हम, ये लेंगे वी बाई वी साइन थीटा, वी साइन थीटा अपान एम वी स्क्वायर अपान आर, उसी एक कंपोनेंट लेने वाले हैं। हाँ ये होगा, आप देखेंगे v साइन थीटा से v साइन थीटा कैंसिल होगा तो ये वाला कैंसिल, तो इसका ये कैंसिल हो जाएगा, बची रहा आपका यहाँ पे qv इक्वल टू एम वी साइन थीटा अपान r, या फिर r का वैल्यू निकालेंगे हो जाएगा एम वी साइन थीटा अपान qv। ये रहा रेडियस उस हेलिकल के पाथ की या सर्कुलर जो लूप का रेडियस है उसका। आप देखेंगे टाइम पीरियड की अगर बात करें टी बराबर होता है टू पाई आर अपान बी, कौन सा भी लेंगे क्योंकि हम सर्कुलर पाथ का टाइम पीरियड निकाल रहे हैं, उसके इसमें जो वेलोसिटी कंपोनेंट हमने कंसीडर किया है वी वाई यानी वी साइन थीटा, क्लियर। यहां देखें आर, आर का वैल्यू पता है तीन रख दीजिए, आर का वैल्यू रख दीजिए एम वी साइन थीटा अपान क्यू बी, वी साइन थीटा से वी साइन थीटा कैंसिल, बचेगा टी बराबर टू पाई एम अपान क्यू बी। कहने का मतलब है इस टी के फार्मूला में यानी जो टाइम पीरियड का फार्मूला उसमें वेलोसिटी कहीं पे नहीं है, इट मींस जो चार्ज पार्टिकल मूव करेगा किसी भी एंगल से या किसी भी वेलोसिटी से मूव करेगा तो उसका जो टाइम पीरियड होगा वो फिक्स होगा, टू पाई एम अपान क्यू बी। अच्छा अब देखेंगे पिच, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक कंप्लीट साइकिल सर्कुलर लूप बनाते हुए एक कंप्लीट साइकिल करते हुए जो एक चक्कर कंप्लीट करता है अर्थात एक चक्कर कंप्लीट करके फिर यहां पहुंचने में एक चक्कर कंप्लीट जो करता है तो ये जो डिस्टेंस यहां से यहां तक होती है अलोंग एक्स एक्सिस उसी को हम पिच कहते हैं, ये डिस्टेंस यहां से लेकर पिच, या हम इसे कह सकते हैं ये, चूंकि डिस्टेंस है तो वेलोसिटी टू टाइम, वेलोसिटी इनटू वेलोसिटी कौन सा लेंगे अलोंग द एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट जो है वो वी एक्स है, वी एक्स इनटू टाइम पीरियड, ये हमें पता है टाइम पीरियड। चलो तो देखें टाइम पीरियड का वैल्यू है टू पाई एम अपान क्यू बी इंटू वी एक्स का वैल्यू पता है
बी कॉस थीटा, इस प्रकार से ये रहा पिच। तो इस प्रकार से हमने देखा मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें हमने तीन केस देखा। जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन मूव कर रहा होता है, अर्थात उसके डायरेक्शन मतलब थीटा बराबर जीरो, और जब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस के अपोजिट जस्ट अपोजिट या हम कह सकते हैं एंटी पैरेलल अगर मूव कर रहा है तो थीटा बराबर 180, उस केस में लगने वाला फोर्स एफ इक्वल टू जीरो होता है, फर्स्ट केस में। सेकंड केस में जब चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होता है मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उस केस में लगने वाला फोर्स होता है मैक्सिमम होता है, और उसका जो पाथ होता है वो सर्कुलर पाथ होता है। इस सेकंड केस हमने देखा। थर्ड केस में जब चार्ज पार्टिकल न तो जीरो डिग्री बना रहा है, न तो 90 डिग्री बना रहा है, और नहीं ए 180 डिग्री बना रहा है, बल्कि क्या बना रहा है, वो किसी थीटा एंगल से बनाते हुए मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाते हुए मूव कर रहा है, उस केस में मैग्नेटिक फोर्स लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स हमने देखा, और साथ साथ इसका पाथ, क्योंकि अलॉन्ग द एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी कंपोनेंट हमने कंसीडर किया vx यानी v cos थीटा, और y डायरेक्शन में जो कंसीडर किया हमने वर्टिकल कंपोनेंट अर्थात परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है vy, वह है v sin थीटा। इसकी वजह से लीनियर मोशन करेगा चार्ज पार्टिकल, और इसकी वजह से सर्कुलर मोशन करेगा। तो लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन जब वो मिक्स होकर करेगा तो उसका जो पाथ बनेगा वो हेलिकल पाथ बनेगा, जस्ट लाइक एज ए स्प्रिंग। उस केस में हमने देखा उसका टाइम पीरियड क्या है, उसका रेडियस क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।